हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल नीता टैरो गाइडेंस। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज की पिकअप कार्ड रीडिंग होने वाली है करियर प्रेडिक्शन। ओके, आपके करियर के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये रीडिंग डिटेल्ड होगी, हम चिट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, हम गाइडेंसेस भी देखेंगे और हम डेस्क का भी इस्तेमाल करेंगे। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके सामने ऑप्शंस दो है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। अगर आप कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हो और अपनी नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर आप कार्ड से सेलेक्ट कर रहे हो देन दिस इज़ द कार्ड फॉर पाइल नंबर वन। ओके, आगे मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी सो दैट आप आराम से सेलेक्ट कर सके। एंड दिस इज़ द कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर टू। ओके, अगर आप नेम इनिशियल से आपके नेम का पहला अक्षर अगर यहाँ पर है देन आप ऑप्शन नंबर वन में है, फाइल नंबर वन। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर टू के लिए नेम इनिशियल है। आगे स्क्रीनशॉट आ रही है, आप वहाँ से आराम से सेलेक्ट कर ले। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ऑप्शन नंबर वन, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है द स्पाइडर या फिर आपकी नेम इनिशियल है AYCEHIKNOSTUNX, ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग है करियर रीडिंग। ओके, करियर से रिलेटेड हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए हम वो देखेंगे। आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ हम डेक्स का इस्तेमाल करेंगे, चिट्स का इस्तेमाल करेंगे एंड मैंने आज आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स से भी कार्ड्स निकाले सो दैट आपको क्लैरिटी मिल सके। हम चिट से देखेंगे आपके लिए कौन सा करियर पाथ सही हो सकता है। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग, आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होगी वो रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है इसलिए आप किसी भी मंथ किसी भी ईयर रीडिंग को देख रहे हो वैलिड है। अनदर थिंग इज दैट ये रीडिंग थोड़ी डिटेल्ड हो सकती है, हम चिट्स भी इस्तेमाल करें डेक्स भी इस्तेमाल करें, सो रीडिंग कैन बी अ बिट डिटेल्ड। रीडिंग को पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर ले। पर्सनल रीडिंग के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या हमें बताया जा रहा है आपके करियर के लिए। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, जिन्होंने पाइल वन सेलेक्ट की है उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं करियर से रिलेटेड। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। फर्स्ट इज स्लोइंग डाउन। ओके, वी हैव राइपनेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव लेजीनेस विच इज नाइन ऑफ कप्स। ओके, एंड देन वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। बॉटम ऑफ द डेक इज फोर नंबर, दैट इज फोर ऑफ एंड्स, पार्टिसिपेशन। ओके, मैं देख रही हूँ दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वरीड है करियर को लेके, ठीक है ना। करियर को लेके वरीड है, इट मींस दैट कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहे हैं। कुछ लोग मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ऐसे हो चुके हैं, आप लोग बिल्कुल निराश भी हो चुके हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। कुछ लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया है, हो सकता है आपने इधर भी ट्राई किया हुआ है, इस ऑप्शन को भी ट्राई किया, उस ऑप्शन को भी ट्राई किया है, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज वेस्ट हो चुकी है, ठीक है ना। जहाँ लगना चाहिए था वो एनर्जीज वहाँ नहीं लगी है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप क्लियर नहीं हो अपने गोल्स को लेके, अपने करियर को लेके आपको पता नहीं है, या फिर आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस आते रहते हैं। इसलिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके भीतर में ये एनर्जीज रहती है कि ये काम हुआ, ठीक है, उसमें आप पेशेंस नहीं देते हो, उसका रिजल्ट सारे नहीं देते हो एंड आप इम्पेशेंट हो जाते हो कि वहाँ से कुछ हो नहीं रहा है, देन आप दूसरी जगह पे चले जाते हो, जॉब करने के लिए हो सकता है, कोई ऑप्शन ट्राई करने के लिए हो सकता है, ठीक है। करियर से रिलेटेड तो मैं देख रही हूँ कि आपको आपके अंदर फोकस की कमी है, ठीक है ना। आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें आपको लगे रहने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों नाइन ऑफ पेंटिकल समवेयर सोर्स कि आप जब वर्क कर रहे हो तो आपको पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है ताकि वो फ्रूट्स आपको मिल सके, ठीक है ना। आपने वहाँ पे एफर्ट डाल दिया, आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप क्या करते हो उस काम को छोड़ देते हो एंड जब वो कहते हैं ना, जब वो फल आपको मिलने वाला रहता है तब आप वहाँ पे रहते ही नहीं हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। समवेयर आपकी जो इस टाइम पे आपको बर्डन को पीछे हटा के बैठ के आराम से सोचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। या फिर आपने कहीं एफर्ट्स डाले हुए हैं तो आपको रिजल्ट्स का वेट करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो, आप नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है मुझे फील हो रहा है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, आप इंटेलिजेंट बहुत हो। कुछ लोगों के लिए आप
आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, इट मीन्स आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, जो आपको हमेशा, आप उनसे बेनिफिट ले सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है ना, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, बट समवेयर आप खुद के अंदर ही बैलेंस्ड नहीं हो, खुद के अंदर आपकी फोकस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी से निराश होने वाले पर्सन मुझे दिख रहे हो। समवेयर जब आप इस एनर्जी को सही जगह पे लगाओगे तो मैं देख रही हूँ आप बहुत जल्दी सक्सेस पाने वाले हो। ओके, आप अपनी, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी जब आप थोड़े से पेशेंस हो जाते हो, थोड़े से बैलेंस हो जाते हो, ठीक है, तो आपकी क्या होगी, विश फुलफिलमेंट होगी। मैं यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स देख रही हूँ, आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको करियर में अचीव होगा, ठीक है। आपके लिए अभी स्लो डाउन करने के लिए कहा जा रहा है, आपको थोड़ा सा रेस्ट एंड रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है। नाइन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, या फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल डेक से है, हाउस कार्ड से है हमारे पास द फोर्थ हाउस, एंड प्लैनेट कार्ड से हमारे पास यूरेनियस, एंड जोडियक कार्ड से हमारे पास एक्वेरियस। आप में से बहुत सारे लोग एक्वेरियस हो सकते हैं फ्रेंड्स, ओके, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी Aquarius in fourth house in your birth chart, okay? आप Aquarius हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका चाइल्डहुड ऐसा रहा होगा जो बहुत आपने ट्रांसफर देखे होंगे, लाइक आपके मदर फादर का जॉब ऐसा होगा जहाँ पे आपने बहुत सारे स्कूल चेंज किए हैं, ट्रांसफर देखा है, आप बहुत जगह पे रह चुके हो, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें बता रही है, आपकी चाइल्डहुड में आप स्टेबल एक जगह पे नहीं रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिख रही है, लाइक आपके पेरेंट्स का डिवोर्स या सेपरेशन हो रखा होगा, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। अगर हम करियर की बात करें, ठीक है, करियर में आपके लिए क्या बताया जा रहा है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, लाइक ज्योतिष विद्या में आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, इन फ्यूचर आप उस तरह के करियर में जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ वी हैव द फोर्थ हाउस कार्ड, द फोर्थ हाउस योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बींग, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को घर पे रहना, फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपका जो करियर होगा वो लैंड से रिलेटेड हो सकता है, व्हीकल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। व्हीकल से आप डील कर सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, ठीक है, आपको बिल्डिंग में बहुत, अब इंजीनियर इट मीन्स लाइक आपको बिल्डिंग वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, आप उस तरह के करियर में जा सकते हो। सेलिंग ऑफ व्हीकल्स, परचेसिंग ऑफ व्हीकल्स, ये आपका जॉब करियर हो सकता है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं डेफिनेटली देख रही हूँ आप एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जा सकते हो। वी हैव यूरेनस एंड एक्वेरियस, वी सोज आपको किसी के अंडर वर्क करना पसंद नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों की ये तमन्ना होगी कि आप किसी जगह पे अगर काम भी कर रहे हो, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप हाई पोजीशन पे रहो, क्योंकि आपको किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद है। यू आर फ्रीडम लविंग पर्सन, आप फ्रीडम लविंग पर्सन हो, बट ऑन द अदर हैंड आप अपने वर्क के थ्रू, आप अपने करियर से लोगों को सर्व भी करना चाहते हो, आप बहुत ही मैनकाइंड लविंग पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप रिसर्च डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ओके। आप में से बहुत सारे लोग रेलवेज के फील्ड में मैं डेफिनेटली देख रही हूँ आप जाओगे, ओके। एंड एटॉमिक एनर्जीज, एस्ट्रोलॉजी, ये आपकी फील्ड करियर के मुझे यहाँ पे बताए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस हमें दिए जा रहे हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। यहाँ पे मुझे हेवी वाटर साइन नजर आया है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कुछ लोग एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ओके। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, ओके। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यस डेफिनेटली दिस एनर्जी इज हियर, एंड कम्युनिकेशन इज द की, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है ना। आप अगर, आपको अगर ऑफर भी मिले, लाइक आप अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है ना। अगर आपको ऑफर मिले कि आप फैमिली को चूज़ करो या करियर, तो आपके लिए करियर भी इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप ऐसे वर्क को करोगे जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। कोई फैमिली बिजनेस भी कर सकता है यहाँ पे, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। सो पाइल नंबर वन, मैं ये डेफिनेटली ये चीज़ें बार बार बताई जा रही है कि आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप करियर के भी डिसीजंस ऐसे लेते हो ताकि वो फैमिली को अफेक्ट करे, ठीक है।
इन द पॉजिटिव वे, नॉट इन द नेगेटिव वे. ये चीज़ें मैं देख रही हूँ. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, योर कमिटमेंट इज बींग टेस्टेड. मुझे यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली दिखाई जा रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी एनर्जीज को टेस्ट किया जा रहा है. ठीक है, लाइक आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स है, बट समवेयर आप लैक करते हो, आप पेशेंस दिखाने में लैक करते हो. ठीक है, आप जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म तक मेहनत करना रहता है, आप पीछे हट जाते हो, आधा काम करते हो एंड पीछे हट जाते हो. ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगे. आप जिस भी काम को कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट को लेके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर लगे रहना है. ठीक है, कॉन्सिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप वहाँ पे रेगुलर रहो. ठीक है ना, रेगुलर इट मीन्स दैट कि आप किसी काम को कर रहे हो तो रेगुलर रहो. साथ ही साथ मैं देख रही हूँ, वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. आप हो सकता है किस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड हो. ठीक है, एंड दैट्स वाई आपसे सक्सेस थोड़ी सी दूर है. यू हैव योर कमिटमेंट इज बींग टेस्टेड. समवेयर डिवाइन आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रही है. ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली, मैं देख रही हूँ, बट समवेयर आपकी एनर्जीज को टेस्ट किया जा रहा है कि आपको जो सक्सेस मिलने वाली, आप उसे डिजर्व करते हो कि नहीं, आप उतना हार्डवर्क दिखाते हो कि नहीं, आप उतना पेशेंस दिखाते हो कि नहीं. तो जब आप अपनी फोकस को बढ़ा लोगे, ठीक है, जब आपके अंदर वो पेशेंस आ जाएगा, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आप राइट ट्रैक पर आ जाओगे. ओके, मैंने कुछ करियर पाथ आपको बताया है, डेफिनेटली वो आपके इंटरेस्ट में हो सकते हैं. एंड डेफिनेटली मैं चिट से भी देखूंगी. वी हैव कम्युनिकेशन इज द की. न्यू मून इन जेमिनाई, कुछ लोग जेमिनाई हो सकते हैं, आपके लिए कम्युनिकेशन फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आपको बोलने की कला मिली हुई है. ठीक है, एंड समवेयर आपके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है फॉर योर करियर. ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ. चलिए हम कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए. अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हो और कहीं पे वर्क कर रहे हो, आपको हो सकता है कोई सिचुएशन अच्छी नहीं लगती है, तो आप तुरंत से क्विक डिसीजन लेने वाले हो. ठीक है, एंड समवेयर आपके लिए क्या जरूरी है, आप डिसीजंस लो तो उसे सोच समझ के. ठीक है, कुछ लोगों के लिए भी मैं देख रही हूँ कि अगर आपको वर्क प्लेस पसंद नहीं आता है, आप उस काम को तुरंत से छोड़ देते हो, ये नहीं कोशिश करते हो कि हमें थोड़े से एडजस्टमेंट करने हैं. तो जब आप एडजस्टमेंट करना सीख जाओगे, तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस आना बहुत ही आसान हो जाएगा. हेल्प, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट. अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको गाइडेंस लेने में पीछे हटना नहीं चाहिए. वी हैव कम्युनिकेशन इज़ द की. ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप काम भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने कलीग से, अपने बॉस से कम्युनिकेशन करने में पीछे नहीं हटना चाहिए. समवेयर कम्युनिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप हो सकते हो किसी से गाइडेंस लेने में पीछे हटते हो. ठीक है, आपको ऐसे फील होता होगा कि हमें गाइडेंस लेने, ओपन अप होने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, गाइडेंस लेने में, तो आपको अपने टीचर, अपने फैमिली मेम्बर जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है दोस्तों. वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं. लेट्स सी क्या बताया जा रहा है. फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू. ओके, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा आपको फील होता है कि लक आपका सपोर्ट नहीं करती है. नंबर 8 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू. आपकी बर्थडे हो सकती है. ओके, इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम. ओके, आपको खुद की गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके भीतर से गाइडेंस आती है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे ये करना है, आप उसे इग्नोर कर देते हो. ठीक है, तो आपको उसे सुनने के लिए कहा जा रहा है. इंट्यूशन इज देयर फॉर यू टू गाइड. आपको इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी. नंबर 6 कैन बी इंपॉर्टेंट. 15 कैन बी योर बर्थडे. ओके, बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन. ओके, आपको रिजिड होने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको कहा ना, आपको रिजिड होने की जरूरत नहीं. आप में से बहुत सारे लोग किसी फर्म बिलीव को लेके बैठे हो. ठीक है, हमें यही काम करना है, हमने ठान लिया तो हमें यही काम करना है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है. ठीक है, आप किसी फर्म बिलीव को पकड़ के बैठे हो, तो हो सकता है वो बिलीव आपके लिए वर्क ना करे. ठीक है, कोई एक न्यू आइडिया आएगा, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, तो आपको उसके लिए भी ओपन अप होके रहना है. ठीक है ना, तो कंफर्ट जोन से डेफिनेटली आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है. किसी काम को आप बहुत दिन से कर रहे हो, आपको, आप वही उसी में कंफर्टेबल हो, बट आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो आपको डेफिनेटली उसे चेंज करने के लिए कहा जा रहा है. बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और अ सिचुएशन. न्यू आइडिया के लिए ओपन होना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन होना है. ठीक है, समवेयर आप एडजस्टमेंट करने में डरते हो, नई चीज़ों से डरते हो ट्राई करने के लिए, तो समवेयर आपको नई चीज़ों के लिए ओपन अप होने के लिए कहा जा रहा है. दिस कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर योर करियर. लेट्स सी टैरो डेक्स को क्या बोलना है आपके लिए. प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स. नंबर 2 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू. आपके करियर में क्या होगा, प्लीज एंजल्स हमें बताएं. पाइल नंबर 1 के करियर में क्या होगा. वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल. क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स,
कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप कम्युनिकेशन के फील्ड में जा सकते हो, आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है. वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स. ओके, वी हैव फोर ऑफ कप्स. आप बहुत सैड हो, ठीक है ना, आप बहुत सैड हो. समवेयर आपको फील होता है कुछ लोगों की कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज वर्क नहीं करती है. आपको ये भी फील होता होगा कि हमारी लक हमारे साथ नहीं है. ओके, ये वाइब्स यहाँ पे है. बट समवेयर आपको रोने की जगह पे आपको एक्शन लेने के लिए रेडी होना है. एंड इन फ्यूचर मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपके सामने जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो, आप रेडी हो जाते हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए. जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही है उन्हें लिस्ट बना लो एंड उसे अपनी लाइफ से बाहर निकालो. न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन रहो एंड अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलो. डेफिनेटली आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है. आप फाइनेंशियल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी. ओके, एंड फैमिली मुझे दिखता है कि आप हमेशा ये चाहते हो कि ऐसे जॉब और करियर की तरफ जाओ जहाँ आपको फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो यस डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है. आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. मैंने कुछ लोग डेफिनेटली रिसर्च वर्क में जा सकते हैं. ओके, नर्सिंग के फील्ड में जा सकते हैं. एंड काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे फील्ड में जाओगे जहाँ पे आप लोगों की केयर कर रहे हो. ठीक है, आपके पास लोग एडवाइस लेने आ रहे हैं. एंड साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ जब आप ऐसे काम को करोगे जहाँ पे आप काफ़ी हम्बल होने वाले हो. ठीक है, आपको जब सक्सेस मिलेगी तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा हम्बल हो जाओगे, और भी ज़्यादा हम्बल हो जाओगे. ओके, आपके पास पेंटिकल्स की कमी नहीं रहेगी. एंड समवेयर मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे काम को करोगे जहाँ पे आप मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक है, आप जो भी पैसे कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट करके और भी पैसे उससे बना रहे हो. ओके, आप इस तरह की इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने वाले हो. एंड यू विल ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल. आपको लोगों से रिस्पेक्ट भी मिल रही है उस काम के लिए. आप लोगों की हेल्प कर रहे हो. ओके, समवेयर आप लोगों को गाइड भी कर रहे हो. वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. कुछ लोग डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम कर सकते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम कर सकते हैं. कुछ लोग ट्रैवलिंग के फील्ड में जा सकते हैं. एंड कुछ लोग आर्मी सोल्जर बन सकते हैं. आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से वर्क आपके रिलेटेड हो सकते हैं. एंड आपको ये सभी चीज़ें तब मिलेगी जब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो गए. ठीक है ना, एंड हो सकता है आपकी आपको हीलिंग की ज़रूरत है. आपको हील होना है. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको गाइडेंस की ज़रूरत है. आप गाइडेंस लेने के लिए रेडी हो जाओ. आपको शर्म महसूस नहीं करना है कि मुझे किसी से गाइडेंस लेना पड़ा है, चाहे वो आपसे जूनियर ही क्यों ना हो. आपको अगर गाइडेंस लेनी है देन आप उस पर्सन से गाइडेंस ले सकते हो. बिकॉज आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है ना, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो. आप सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हो. एंड आपके अंदर वो पोटेंशियल मैं देख पा रही हूँ. आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो, हार्ड वर्किंग भी हो, बट समवेयर लैक ऑफ पेशेंस एंड लैक ऑफ फोकस मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं. वी विल टेक टू चिट्स फ्रॉम दिस एंड सी. ये हैंडमेड चिट्स है मेरे. वी हैव चैरिटी. यू विल ऑल्सो डू चैरिटी. ओके, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जेनरस होंगे सोसाइटी को लेके, लोगों को लेके. मैंने आपको पहले ही बता दिया. सो आप डेफिनेटली आपकी उतनी अर्निंग होगी, आपका उतना स्टेटस होगा कि आप लोगों को चैरिटी भी कर सकोगे, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर पाइल नंबर वन. एंड आपका ये सपना भी होगा कि आपकी लाइफ में खुद तो स्टेबिलिटी आ जाए बट आप लोगों की भी हेल्प करो. चाहे आप हो सकते चाइल्ड बच्चों की हेल्प करना चाहते हो. ठीक है, जो जिन बच्चों को ज़रूरत है, ठीक है, उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट. ओके, नो इज़ द आंसर. अगर आपके मन में कोई सवाल है करियर से रिलेटेड तो यहाँ पे नो इज़ द आंसर आया है. ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस और दिए जा रहे हैं. लेट्स सी फ्रॉम द चिट्स. योगा, योर लाइफ इज़ इन्हेंस्ड बाई योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज. सो आप में से बहुत सारे लोग नर्सिंग के फील्ड में जा सकते हैं. योगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप योगा ट्रेनर बन सकते हो. ओके, दिस कैन बी योर करियर. एंड समवेयर अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं डेफिनेटली देख रही हूँ आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती जिसके चलते आपको करियर सफर कर रहा है, तो आपके लिए योगा एंड मेडिटेशन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू वॉट यू चूज. ओके, सो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आप लोगों को फ्री होकर काम करना पसंद है, किसी के अंडर नहीं. तो आप में से बहुत सारे लोग अपना खुद का सेल्फ बिजनेस या नेम एंड पोजीशन बनाएंगे. ओके, जहाँ आप लोगों की भी हेल्प कर पा रहे हैं. एनवायरमेंटलिस्ट, यू आर एन अर्थ एंजल हु हैज़ बॉर्न टू प्रोटेक्ट नेचर, नर्चर एंड टीच अबाउट नेचर एंड एनिमल्स. सो आपका करियर ये हो सकता है. आप एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हो जहाँ आप नेचर के लिए वर्क कर रहे हो, चिल्ड्रंस के लिए वर्क कर रहे हो, एनिमल्स के लिए वर्क कर रहे हो, टीच कर रहे हो लोगों को एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें. ओके, वी हैव क्रिस्टल्स. योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी. कुछ लोग डेफिनेटली आप हीलर बनना चाहते हो, तो यू कैन बी अ हीलर ऑल्सो.
क्रिस्टल से रिलेटेड कोई वर्क आप कर सकते हो. एनर्जी हीलिंग, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस. आप में से बहुत सारे लोग, आप लोग बॉर्न हीलर्स हो, ठीक है ना, आप लोग बॉर्न हीलर्स हो, आपके अंदर लोगों को हील करने की क्वालिटीज है. तो आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअल हीलर बन सकते हो, ठीक है. कुछ लोग डॉक्टर बन सकते हैं एंड वो उस तरह से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों के लिए, उनके लिए वर्क कर रहे हो, आपकी करियर भी सेटल हो गई, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, आपका सपना पूरा हो रहा है, ठीक है. तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है. फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल नंबर 38. आपकी एज 38 हो सकती है. 11 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वी हैव डोर टू वैल्यू. ओके, सो आपको फाइनेंसेस से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि आपकी करियर सेटल नहीं होगी या फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे. क्यों? बिकॉज वी हैव डोर टू रोमांस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड वी हैव 333. सो दिस नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू. आपको 333 दिख सकता है. वी हैव फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल विच अगेन सोज कम्युनिकेशन. ठीक है ना, आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, ठीक है. एंड अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, फॉरेन लैंड जाना चाहते हो, अगेन यू शुड फोकस ऑन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ये बार बार आपके लिए यहाँ पे आ रहा है. डोर टू वैल्यू, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अर्न फाइनेंसेस. आप पैसे कमाने के लायक हो, आपके अंदर उतनी इंटेलिजेंस है. वी हैव डोर टू रोमांस एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस. ओके, यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ. ठीक है ना, आपकी करियर के लिए मैसेजेस आए दैट यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस. आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी. हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े. वी हैव डोर टू रोमांस एंड डोर टू वैल्यू एंड वी हैव दिस फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल कार्ड. ओके, आप ऐसे काम को करोगे जहाँ आप लोगों को अफेक्शन बांट रहे हो, लोगों को प्यार बांट रहे हो. सोशल वर्क है, आप अपने अपने काम के थ्रू, ठीक है ना, लोगों में प्यार बांट रहे हो. वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. कंपैशन, लोगों की केयर कर रहे हो, उनकी हेल्थ से रिलेटेड वर्क कर रहे हो. ओके, कुछ लोग, आप लोग एजुकेशन के फील्ड में भी जा सकते हैं. तो चलिए हम फिर से भी देख ले आपके लिए कौन सा करियर पाथ बताया जा रहा है. लेट्स सी, एंड वी हैव टू डोर्स हियर, डोर टू रोमांस एंड डोर टू वैल्यू. डेफिनेटली अ न्यू डोर विल ओपन फॉर यू. ठीक है ना, आपके इमोशंस, अगर आपको फील हो रहा है दैट आप काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड हो, ठीक है ना, आपने बहुत सारे फेलियर्स देखे हुए, तो डेफिनेटली यू विल सी सक्सेस जहाँ पे आपको आपकी फैमिली अप्रिशिएट कर रही है. ओके, पैसे आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करोगे, मनी विल कम टू यू. आप इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया. ठीक है, नेचर एंड कंजर्व, नेचर से रिलेटेड आपका जॉब हो सकता है. लेट्स सी फ्रॉम द चिट्स क्या बताया जा रहा है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये आपका करियर हो सकता है दोस्तों. वी हैव जज. ओके, आप में से बहुत सारे लोग जज बन सकते हैं. वॉज द सिविल इंजीनियर. सो दिस वॉज द रीडिंग. आई होप सो यू लाइक दिस करियर रीडिंग. ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर ले. आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में दोस्तों. ध्यान रखिए अपना. बाय, बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑप्शन नंबर टू, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है द स्क्यूरेंट की, या फिर आपकी नेम इनिशियल है DZBFGJLMPQRNVW. जिस रीडिंग में हम करियर से रिलेटेड मैसेजेस देखने वाले हैं. आपकी करियर कैसी होगी, आपके लिए कौन सा करियर पास सुटेबल हो सकता है. एंड इस रीडिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डेस्क का इस्तेमाल करेंगे, हैंडमेड चिट्स का भी इस्तेमाल करेंगे. सो वीडियो को पूरी देखिएगा. आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड. सो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले. पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर मेरी आईडी में मेल सेंड करें. डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले दोस्तों. ये जनरल रीडिंग है सो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होगी वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा. टाइमलेस रीडिंग है सो आप किसी भी मंथ किसी भी ईयर इस रीडिंग को देख सकते हैं. प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स. वॉट विल बी देयर करियर. Choices. There is another way. Ask your unicorn to help you find it. Okay. First card is of choices. Magic. There is magic around you. So expect excitement and joy. Open your heart to love and joy. Okay. The Christ. Open the door to the kingdom of heaven. Okay. Beautiful. And pass. Bottom of the deck is honesty. Honesty will ultimately be rewarded. Okay.
सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ अपने से बहुत सारे लोग ऐसे करेंटली हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, ठीक है ना। आपके लाइफ से एक जॉय और हैप्पीनेस जो होती है वो चली गई है, आपको फील हो रहा है कि आपको गाइडेंस सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेस्ड हो, सैड हो, कुछ लोगों के लिए लॉस भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आपकी अपॉर्चुनिटी कोई और लेके चला गया है, ओके। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सैड एंड लो फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर करियर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अपने करियर की वजह से परेशान हो, आपको फील हो रहा है कि आपने स्कूल में बहुत अच्छा किया, कॉलेजेस में बहुत अच्छे किए, बट नाउ जब आपके करियर की बात आती है, जब अपने टैलेंट को दिखाने की बात आती है, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो नाउ, ठीक है। तो समवेयर आप बहुत सैड फील कर रहे हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, बट आप अकेला एंड लोनली फील कर रहे हो, आप लोगों की तरफ देख रहे हो, आप अपने दिल का दर्द बताना चाहते हो, बट नोबडी इज़ देयर टू लिसन टू यू, आपको ऐसे फील होता है, ठीक है। समवेयर आपको करियर में, मैं ये देख रही हूँ कि आपने जिसके ऊपर भरोसा किया, या कुछ लोगों को डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपको फाइनेंशियल लॉस कराया गया है, ठीक है। करियर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे लेके जाना चाहते हैं, तो आप इन सभी चीज़ को देख के थोड़ा सा अकेलापन और आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी भी हो गई है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। बट वी हैव दिस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपकी अगर कोई अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो गई है, बट आई सी कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ठीक है। आप अगर किसी भी सिचुएशन में अभी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिए कहा जा रहा है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय एंड ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। समवेयर आपके लिए डिवाइन ये मैसेज देना चाह रही है कि आपकी लाइफ कितनी ही डार्कनेस क्यों ना हो, आप किसी भी फेज में क्यों ना हो, करियर के लिए आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, एंड आपको इस बात पे बिलीव करना है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट यू शुड ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, यू शुड बी रेडी टू रिसीव दिस, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है, द क्राइस्ट Himself is here to bless you. ये आपको खुद यहाँ पे है bless करने के लिए, आपकी situation को change करने के लिए, ठीक है। But you should be ready to receive this magic. यहाँ पे magic भी है. So definitely this card shows me कि आपके life में magic आने वाला है, okay. Somewhere आप financial loss से गुजर रहे हो, आपके सामने जो opportunities है वो आपके लिए work नहीं कर रही है, but all this situation will change. ओके ये चेंज होगा एंड आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस आएंगे, ये डार्कनेस का पीरियड खत्म होगा एंड यू विल बी देयर इन द लाइट, यू विल बी देयर इन द ब्लेसिंग, आपको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं, आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं, या फिर आपको फील हो रहा है कि आपके सामने सही अपॉर्चुनिटी या सही चॉइस नहीं आ रही है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड आपकी सिचुएशन अभी जो भी है, ठीक है, उसमें आपको पॉजिटिव रहना है। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि आपको ये विश्वास रखना है कि आने वाला टाइम आपके लिए ब्यूटीफुल होने वाला है, ओके। आपको ऐसा फील करना है दैट आने वाला टाइम ऐसा होगा जहाँ पे आप अपनी फुल पोटेंशियल, फुल टैलेंट को शो कर पाओगे एंड उसको यूटिलाइज करके अपने आप को करियर में स्टैब्लिश कर रहे हो। समवेयर हमारे करियर से हमारी ये भी डिमांड होती है कि हमारी फाइनेंशियल गेन हो, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने, वो भी कर पाओगे एंड अपने ड्रीम जॉब को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है, जो भी आपका ड्रीम वर्क है, नॉट ओनली जॉब, ओके, जो भी आपका काम है उसे आप कर पाओगे। नंबर 18 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 4 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 5 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड 44 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। चलिए हम आगे देखते हैं क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सो इस रीडिंग में आपसे करियर से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस देखने वाले हैं। रीडिंग को पूरी देखिएगा दोस्तों, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। पहला कार्ड आया है द रिबेल, ओके। वी हैव एक्सपीरियंसिंग 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव लेटिंग गो, ओके। कॉन्सियसनेस, आप हो सकता है गिल्ट में हो दोस्तों, ठीक है ना। एंड अगेन वी हैव सिज़ोफ्रेनिया विच इज 2 ऑफ सोर्ड एंड द एडवेंचर कार्ड, ठीक है, हम इसे रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस है, या फिर आपके सामने जितने भी ऑप्शंस हैं आते हैं वो आपको सही नहीं लगते हैं, ठीक है, या तो फिर वो आपको फील होता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, आप जिस चीज़ को चाहते हो वो आपके सामने नहीं आ रहा है करियर से रिलेटेड, ठीक है। आप अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई कर रही है तो आपको सही जगह जॉब नहीं लग रही है, जो भी है, ठीक है, इस तरह का होता है कि आपको जो चाहिए वो आपके सामने नहीं आता है और उससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपके सामने आती रहती है, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं, ओके। आपके सामने हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हो एंड वो अभी चली गई, आपको उसको लेट गो कर देना है, ठीक है। पास्ट की जितनी भी बैड एनर्जीज है उसको, नेगेटिव एनर्जीज है उसको लेट गो कर देना है, ठीक है। किसी ने आपको बुरा भला कहा, क्या करियर में आपको लॉस करवाया, ठीक है, वादा करके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो आपको पीछे खींच रहा है उसको आपको लेट गो करना है, ओके। एंड यस डेफिनेटली आपके दिमाग में बहुत सारे क्लाउड्स एंड कन्फ्यूजन मैं देख रही हूँ, आपके दिमाग में वो क्लैरिटी आ जाएगी। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड विच इज़ कॉन्सियसनेस एंड बुद्धा, बुद्धास इनलाइटमेंट को दिखा रहे, लॉर्ड बुद्धा एंड वी हैव लॉर्ड क्राइस्ट, ओके, बुद्ध लॉर्ड आर हियर एंड आप
किसी भी गॉड की कहीं पे भी बिलीव करते हो, बट यहाँ पे हमारे पास डिवाइन पावर है एंड वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको लाइट दे रहे हैं एंड आपके दिमाग में क्लैरिटी आने वाली है, न्यू बिगनिंग्स को भी दिखा रहा है ये कार्ड। सो डेफिनेटली आपको लेट गो करना है, वी हैव दिस लेटिंग गो कार्ड एंड वी हैव देन एस ऑफ सोर्ड्स। आप जब लेट गो करोगे तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं करना कि आप किसी से कम हो। आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि आप बहुत सारे लोग आगे निकल गए आपके सामने, आप पीछे रह गए हो, ओके। तो आप डेफिनेटली न्यू स्टार्ट करोगे एंड बहुत एडवेंचर करने वाले हो, ओके। न्यू एक्सपीरियंसेस आप गेन करोगे करियर को लेके। आप हो सकता है इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, आपको नेम मिल सकता है, आप पोजीशन मिल सकता है। आप बहुत रिबेलियस हो सकते हैं नेचर में, ठीक है। आप गलत को गलत कहते हो एंड इस वजह से आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग रूड कहते हो, ठीक है। या फिर ये भी कहते हैं कि आप उस काम को नहीं करते हो जिसे आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो वर्क को लेके, ठीक है ना, जिसके चलते आप अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करते हो, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ये आपका जो रवैया है वो हो सकता है आपके लिए, आपको लगे कि बहुत सही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि आपकी रिबेलियस नेचर आपके लिए समवेयर अच्छी होने वाली है, ठीक है। अगर आप बहुत सेलेक्टिव हो तो मैं देख रही हूँ आप उस सेलेक्टिव नेचर की वजह से बेस्ट ऑप्शन को अट्रैक्ट करने वाले हो। वी हैव दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों को अब एक टीम को लीड करने वाले हो, ठीक है। किसी टीम की आप लीडर बन सकते हो। वी हैव द एम्परर एंड देन थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी टीम को लीड करने वाले हो एंड डेफिनेटली देख रही हूँ आप एक टाइम पे दो जॉब भी कर सकते हो, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एस्ट्रोलॉजिकल देख से देखते हैं वहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। फ्रॉम द हाउस कार्ड वी हैव द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड, ओके। फ्रॉम द प्लैनेट कार्ड वी हैव द सन, ब्यूटिफुल। एंड फ्रॉम द जॉडियक साइन वी हैव द कैंसर, ओके। यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, आप बहुत इमोशनल पर्सन है, बट ऑन द अदर साइड यू आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। आप इंट्रोवर्ट है बट ऑन द अदर साइड आप बहुत कॉन्फिडेंट भी है आप में लीड करने की। मैंने आपको पहले कहा कि आप में एक लीडरशिप की क्वालिटीज है। वी हैव द रिबेल, द एम्परर हु इज ऑलवेज देयर टू गाइड टू लीड एंड दिस पर्सन हैज लीडरशिप क्वालिटी। तो आपके अंदर एक एम्परर की क्वालिटीज है, ठीक है। आप सेलेक्टिव इन नेचर हो बट दैट सेलेक्टिव नेचर इज ऑल्सो देयर टू हेल्प यू, वो आपको हेल्प करता है समवेयर, ओके। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मैं यहाँ पे स्लो एंड प्रोग्रेसिव नेचर देख रही हूँ, ठीक है ना। आपकी प्रोग्रेस होगी बट स्लोली। वी हैव द थर्ड हाउस कार्ड जो कि मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल को, ठीक है। तो आपका जॉब जो है वो आपका जो भी करियर होगा वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। आप सेल्समैन से बहुत अच्छे कर सकते हो, आप बिजनेसमैन बहुत अच्छे हो सकते हो, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जा सकते हो, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, या फिर आपका इंटरेस्ट बुक लिखने में हो सकता है, ठीक है, राइटिंग में हो सकता है। सो ये सभी जॉब आपके लिए आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। आप इस तरह के जॉब में जाने की संभावना रखते हो। वी हैव द सन विच शोज मी कि आप डेफिनेटली किसी तरह के लीडरशिप पोजिशन पर हो, ओके। जहाँ पर आप कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हो, कुछ लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। आप आर्टिस्टिक अपने टैलेंट को दिखा रहे हो लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ओके। एंड समवेयर वी हैव द कैंसर, द एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और चाइल्ड, ओके। सो आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इमोशनल हो लोगों को लेके, ठीक है। किसी बात को जल्दी भूल नहीं पाते हो, किसी चोट को जल्दी भूल नहीं पाते हो, ठीक है। ये चीज़ है। अगर हम जॉब की बात करें तो आप CEO हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस दिखते हैं, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग आप लोग सेफ बन सकते हो, दिस इज सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर सम ऑफ यू। ये हो सकता है आप लोग शेफ बनना चाहते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सोशल वर्क आपके लिए, थेरेपिस्ट होना, CEO, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। कुछ लोग आप लोग बच्चों से रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हो या फिर आप लोग पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे बताई जा रही हैं। चलिए हम कुछ चिट से भी देख लें आपके लिए क्या बताया जा रहा है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, वी विल टेक टू चिट्स फ्रॉम दिस। रेस्ट एंड रिलैक्स, ओके। सो ये टाइम आपको बताया जा रहा है आपको रेस्ट एंड रिलैक्स करना है, ठीक है। आप हो सकता है डेफिनेटली आपका कोई लॉस हो गया, आप घर पे बैठे हो, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, आप वेट कर रहे हो। तो दिस टाइम इज दैट यू शुड रेस्ट एंड रिलैक्स एंड री एनर्जाइज, ठीक है ना। आपको रेस्ट एंड रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। इस टाइम पे आप प्लान कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज बना सकते हो अपने करियर के लिए, ओके। वी हैव पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके। आप सही रास्ते पे हो, आप जहाँ भी हो अपने करियर में, चाहे वो आपको फील हो रहा है कि बैड है, गुड है, जो भी है, यू आर ऑन द राइट पाथ। यहाँ पे ये गाइडेंस दिए जा रहे हैं। लेट्स सी क्या बताया जा रहा है।
प्लीज एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स. आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, आप एरीज हो सकते हैं, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कुछ लोग हो सकते हैं. योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ओके. अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, ओके. And don't let your past hold you back. Okay. For some of you, I can see that आपकी love life में कुछ problem चल रही हो सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा sad हो, ठीक है. And इस वजह से आपकी career जो है वो somewhere रुकी हुई है, ठीक है. A new romantic cycle begins, shows me कि आपकी life में new journey start होगी. And somewhere पहले भी message आ चुका है आपके लिए कि you should be open to love and joy. ओके, तो आपको ऐसा फील नहीं करना है दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, यू आर नॉट वर्दी ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़. आपको सभी कुछ मिलेगी. आप लिब्रा हो सकते हो, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए भी कहा जा रहा है. तो आपके पास्ट की जो भी बैड मेमोरीज है उसने आपको जगड़ के रखा हुआ है, उस पास्ट की बैड मेमोरीज से आपको रिलीज होना है. एंड एक न्यू रोमांटिक साइकिल समवेयर सोज मी आपके लिए एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा. हो सकता है आपने पास्ट में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है ऑलरेडी, तो उसे आपको पीछे छोड़ना है, ठीक है, एंड आगे बढ़ना है. एंड इस वजह से आपकी करियर भी अच्छी होगी एंड समवेयर आपकी लव लाइफ में भी बैलेंस आएगी. ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड दिस टाइम. फॉर सम ऑफ यू दिस टाइम इज दैट जहाँ आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है. आप बहुत हार्डशिप से गुजर रहे हो, आपको यही टाइम है जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ को दिखाना है. यू शुड मेक स्ट्रेटजीज, यू शुड रेस्ट एंड रिलैक्स, यू शुड जस्ट फ्लो योर एनर्जीज. आपको एनर्जीज के साथ फ्लो करना है, आपको टाइम के साथ फ्लो करना है, ठीक है. एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएगी, ऐसा आपको बिलीव करना है, ठीक है. ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं. लेट्स सी हमें और क्या बताया जा रहा है. We have this card, healer of the ages, number 51. So आप में से बहुत सारे लोगों की हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है. आप हीलिंग से गुजर रहे हो एंड आपके अंदर मैं अगेन देख रही हूँ आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. समवेयर आपकी लव लाइफ की वजह से आपके करियर के ऊपर में भी अफेक्ट हो रही है. तो आपका लव लाइफ एक दूसरा चैप्टर है लाइफ का, ठीक है, एंड करियर दूसरा चैप्टर है लाइफ का. एंड हो सकता है आपके, यस वी आर ह्यूमन बींग, ठीक है, जब हमारा इमोशनल स्टेट अच्छा नहीं होता है तो हम बाहर भी अच्छा नहीं कर पाते, हम अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते. सो यस यू शुड, यू हैव ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट. आपको अपनी हीलिंग को टाइम देना चाहिए, इसलिए आपके लिए कार्ड यहाँ पे आ चुका है रेस्ट एंड रिलैक्स का. आपने जितना सफ़र किया कर लिया, जो आपके लाइफ में होने चाहिए थे वो हो चुके, ठीक है. एंड यू शुड बी ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज. नाउ आपको अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ना है एंड आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है. सिक्स कैन बी इंपॉर्टेंट, डोंट अगेन डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके. एंड दिस कार्ड हैज ऑलरेडी कम, लव एंड जॉय एंड हीलिंग एंड हैप्पीनेस. आप में से बहुत सारे लोग हंसना भूल गए हैं, मुस्कुराना भूल गए हैं. लाइफ में पॉजिटिविटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये भी आप भूल चुके हो, ठीक है. तो आपको अभी क्या आपके लिए आने वाला है, हीलिंग एंड हैप्पीनेस का टाइम आने वाला है आपके लिए. हो सकता है समवेयर आप अगर अपने रोमांटिक लाइफ में भी किसी का वेट करो, देयर इज ऑल्सो अ न्यू स्टार्ट. एंड करियर भी, जब आप करियर की तरफ बढ़ रहे हो देन देयर इज ऑल्सो अ न्यू स्टार्ट, ठीक है, न्यू डोर ओपन हो रहा है. सो जब आप रेडी हो जाओगे तो आपके लिए सभी फेजेस ऑफ लाइफ में क्या आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है ना. चाहे वो करियर हो चाहे आपकी लव लाइफ में हो, दोनों आपकी एसोसिएटेड हो सकती है. यू कैन मीट अ न्यू पार्टनर एट योर वर्क प्लेस, ठीक है. दोनों चीज़ें एसोसिएटेड मुझे यहाँ पे दिख रही है. फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली द थिंकिंग वुमेन, सी इफ यू आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर अ पार्टनर, मुझे डेफिनेटली पता ये करियर रीडिंग है, बट दिस मैसेज इज कमिंग, बट आई शुड associate this one also. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि you will also meet a partner. If you are waiting for someone to meet in your life, then you can meet a partner. You meet a person, okay? At your workplace, ठीक है. आप अपने comfort zone से बाहर निकल रहे हो, work के लिए बाहर निकल रहे हो, काम start कर रहे हो, healing start कर रहे हो, then definitely you can meet a person. The thinking woman also shows me कि आपको अपने ऊपर work करने के लिए कहा जा रहा है. अगर आप student हो definitely you should work hard. आपको work करना है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है. एंड आपको टाइम रहते हुए अपने सिलेबस एंड कोर्स को कंप्लीट करना है. एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप हो सकता है बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, आपकी सब्जेक्ट हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है. आपको वहाँ पे भी सक्सेस काफ़ी मिलेगी. लेट्स सफल फॉर वन मोर टाइम. सो आपके लिए डेफिनेटली विद इन वन ईयर आपके लिए कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे आपके करियर में, ओके. एक न्यू डोर ओपन होगा, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी. सो आफ्टर वन ईयर और विद इन वन ईयर बहुत ज़्यादा आप सिग्निफिकेंट चेंजेस फील करने वाले हो, ठीक है ना, आपके करियर के लिए. इनडिसीजन, बट आप बहुत ज़्यादा अभी इनडिसीजन में हो, बहुत सैड हो,
आपको पता नहीं किधर जाना है, बट आई एम टेलिंग यू विद इन वन ईयर यू विल सी सम काइंड ऑफ लाइट, सम काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग टू यू. वी हैव जर्नी सी, सो यू कैन ट्रैवल समवेयर, अ न्यू जर्नी विल स्टार्ट डेफिनेटली. ठीक है, एंड यस यू विल सी अब जहाँ पे हो अभी, एंड विद इन वन ईयर आप कहीं और रहोगे. ठीक है ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेंगी. सो दिस इज द थिंग एंजल ऑफ लव. एंड आपकी इस न्यू जर्नी में कुछ लोग आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, कोई नए फ्रेंड बन सकते हैं जो आपके करियर में कुछ ज़्यादा ही आपकी हेल्प करेंगे. ओके, दिस इज द थिंग. चलिए हम देखते हैं. हीलर, यू हील थ्रू. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हीलर का कार्ड है, सो आप में से बहुत सारे लोग हीलर बनेंगे. ठीक है, हीलर बनना आपका चॉइस होगा करियर को लेके. आप हीलिंग करेंगे लोगों की, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर और भी तरह के हीलर्स होते हैं. नेक्स्ट टाइम बेटर लक, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपका कोई अपॉर्चुनिटी अभी खत्म हो चुका है, सो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आया, नेक्स्ट टाइम वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए डेफिनेटली आने वाली है. सो हीलिंग से रिलेटेड आपका करियर हो सकता है कुछ लोग के लिए. वी हैव आर्टिस्ट, यू आर अ बॉर्न आर्टिस्ट. ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली आर्टिस्ट होना चाहते हैं. आपकी फैमिली नहीं मान रही है, आप सिंगर डांसर सपोर्ट नहीं, बट यू कैन बी एन आर्टिस्ट ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द थिंग वी विल टेक. वी हैव दिस वन, बिजनेस, यू अर्न अबंडेंस थ्रू बिजनेस. सो सम ऑफ यू इज रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, सो बिजनेस आपके लिए अच्छा हो सकता है. ओके, बिजनेस में आप जा सकते हो. Let's take from this cheats. Please angels help me and guide me for my viewers of pile number 2. क्या बताना चाह रहे हैं? IAS, IPS and state PCS. ये आपका job and career हो सकता है. In future आप इस position पर रह सकते हो. ठीक है, but आपको hard work करने की ज़रूरत है and new opportunity तक पहुँचने के लिए ज़रूरत है. And definitely you will be here. ये आपकी opportunities है. Okay. We have yoga instructor. Yoga instructor आप बनना चाहते हो. Definitely you can be that. Hairdresser and we have also advocate. Okay, hairdresser and advocate है हमारे पास. So ये आपका career हो सकता है. And we have army man. तो आप में से बहुत सारे लोग army में जाना चाहते हैं, police भी हो सकते हैं. So this is the thing. चलिए हम आपके लिए एक last guidance देख ले, क्या बताना चाह रहे हैं angels. अगर video आपको पसंद आई है, reading पसंद आई है, ज़रूर like कर लें. We have hope. See, look with new eyes and create the change that awaits you. Okay, आपके लिए hope है. You should be hopeful. You should be positive. And then आप बहुत सारे opportunities को attract करने वाले हो. आपकी कुछ भी अगर opportunities खत्म हो गई है, आपको success नहीं मिली है, but what we have next time, better luck next time, and we have then hope. Here is a rainbow. You will see new opportunities, happiness in your life. Okay, so this was the reading for pile number 2. I hope so you liked the reading resonated with you. Aisa hai to mujhe comment section mein bataye. Milte hain next reading mein. Dhyan rakhiye apna. Bye, best of luck, take care, thanks for watching.